जिला मुख्यालय धर्मशाला के समीपवर्ती सुधेड़ निवासी टैक्सी चालक जसविंदर सिंह मौत मामले में पुलिस ने मैकलोडगंज में एक टिप्पर को कब्जे में लिया है। इस कैंटर के पुलिस को दुर्घटना के संबंध में कुछ साक्ष्य मिले हैं। धर्मशाला फोरेंसिक लैब के विशेषज्ञ ने कैंटर से मौके पर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने मृतक जसविंदर सिंह के साथ ही राजीव थापा के बयान के आधार पर सीसीटीवी फुटेज से कैंटर की जानकारी जुटाई थी। बताया जा रहा है कि इस कैंटर से ही कार की टक्कर हुई थी, जिसमें जसविंदर सिंह की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मृतक के साथ ही राजीव थापा को गिरफ्तार किया है। मुख्यालय धर्मशाला के सीमावर्ती सुधेर निवासी टैक्सी चालक जसविंदर सिंह की मौत के मामले में पुलिस ने मैकलोडगंज में एक टिप्पर कैंटर को कब्जे में लिया है। इस कैंटर में पुलिस को दुर्घटना के संबंध में कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। धर्मशाला फॉरेंसिक लैब के विशेषज्ञों ने कैंटर से मौके पर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने मृतक जसविंदर सिंह के साथ ही राजीव थापा के बयान के आधार पर सीसीटीवी फुटेज से कैंटर की जानकारी जुटाई थी। बताया जा रहा है कि इस कैंटर से ही कार की टक्कर हुई थी, जिसमें जसविंदर सिंह की मौत हो गई थी। मतलब है कि 16 मार्च को धर्मशाला चड्डी रोड पर वन निगम कार्यालय के सामने सड़क किनारे नाली में सुधेड़ निवासी जसविंदर सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। मृतक के ब्रेन का कुछ हिस्सा चील गाड़ी तथा दुर्घटनाग्रस्त कार सुधेड़ के मैदान में मिली थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक के साथी राजीव थापा को गिरफ्तार किया था। टैक्सी चालक की मौत मामले में पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही थी, जिसके तहत शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और गाड़ी की कंडीशन को देखा गया, जिसमें ये हादसा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज से स्थानीय टिप्पर को पुलिस ने ट्रेस कर लिया, उसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। दोनों गाड़ियों के काटे कट जो एविडेंस उपलब्ध हुए हैं, उसको लेकर आगामी कार्यवाही की जा रही है। टिप्पर मालिक या ड्राइवर की टक्कर के हिसाब से कोई लाइबिलिटी फिलहाल जांच में नहीं आ रही है। आगामी जांच में यदि ऐसा कुछ सामने आएगा तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। जी, उसमें हम लोग सभी तरह की थेरीज पे काम कर रहे थे और सारे सीसीटीवी फुटेज जब शहर के हमने खंगाले और गाड़ी की कंडीशन को, जब जो ऑल्टो गाड़ी है जिसमें ये हादसा हुआ था, तो ऐसी संभावना थी कि ये एक्सीडेंट का या कोलिजन का केस है, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज में जो टिप्पर है एक, वो हमने आइडेंटिफाई करके ट्रेस कर लिया है और उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हम लोग कर रहे हैं। जो भी कॉन्टैक्ट का दोनों गाड़ियों का आपस में एविडेंस अवेलेबल है उसको करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये स्थानीय टिप्पर है? जी, स्थानीय टिप्पर है। और इसमें अभी ये जो टिप्पर का ड्राइवर था या उसका मालिक है, उसके खिलाफ भी कोई मामला? जी नहीं, ये गाड़ी में कोलिजन की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उनकी कोई लायबिलिटी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। फर्दर अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा आएगा देन वी विल सी टू इट। फोरेंसिक टीम ने भी सर उसका जांच की? जी बिल्कुल।